हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल नॉलेज ट्रिक विद निशु। गाइस, आज मैं वीडियो पे डिस्कस करने वाली हूँ कि बीए आर्ट्स में कितने विषय होते हैं, बीए सब्जेक्ट लिस्ट इन हिंदी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। सो फ्रेंड्स, डोंट वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो गाइस, आज हम बात करेंगे कि बीए आर्ट्स में कितने विषय होते हैं, यानी कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो गाइस, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एचएस देने के बाद हम बीए में जाते हैं या बीकॉम में जाते हैं या बीएससी में जाते हैं। अब ये बीए बीकॉम बीएससी है क्या? तो गाइस देखो, आप 10th के बाद, यानी जब आप बोर्ड का एग्जामिनेशन देते हो, ठीक है, तो बोर्ड में आपको क्या होता है गाइस कि आपके सब्जेक्ट चॉइस करने होते हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरेस्टेड के अनुसार अपने सब्जेक्ट वाइज को चॉइस करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पसंद है तो आप आर्ट्स लिए, मान लीजिए आपको मैथ्स अकाउंटेंसी बनाना पसंद है तो आप कॉमर्स लीजिए, मान लीजिए आपको लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, यानी जीव जंतुओं के बारे में पढ़ना आपको पसंद है, पेड़ पौधे के बारे में जानना आपको पसंद है तो आपने साइंस लिया। ठीक है, तो इस तरह से होने के बाद 11, 12 तो आप कंप्लीट करते हैं, तो भी 11, 12 में आपके आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस ही होती है। ठीक है, बट जैसे ही आप 12 कंप्लीट करते हैं गाइस, जब आप ग्रेजुएशन लेवल में जाने लगते हैं तब हो जाता है आपका स्ट्रीम, यानी स्ट्रीम मतलब क्या, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस नहीं होती है, तब आपका हो जाता है बीए, बीएससी, बीकॉम। यानी जैसे जैसे लेवल बढ़ती है और बोलने का जो अंदाज होता है वो भी बढ़ सकता है, ऐसे आप कह सकते हैं। सो गाइस, ये हो जाती है। तो जब तक आप स्कूल में रहते हैं तो वो क्या कहलाती है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। फिर आप कॉलेजेस में जाते हैं गाइस तो बीए, बीएससी, बीकॉम हो जाती है। तो हम तो यहाँ पे आपके बीएससी रिलेटेड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर बीएससी, बीकॉम से यानी कुछ डाउट है, क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, नेक्स्ट दिन मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगी। एनीवेज, सो गाइस, यहाँ पे बीए आर्ट्स में कितने विषय होते हैं तो मैं आपको बता दूं गाइस कि देखो, बीए आर्ट्स में सबसे पहले बैचलर ऑफ आर्ट्स, इसकी फुल फॉर्म होती है, 3 ईयर्स की ग्रेजुएशन होती है, यानी 3 ईयर्स आप कंप्लीट करते हैं तब जाके आपकी कंप्लीट होती है। बट गाइस यहाँ पे बता दूं कि 3 ईयर्स यानी 6 सेमेस्टर अभी कर दी गई है, तो 6 सेमेस्टर जब आपकी कंप्लीट होती है तब जाकर 3 ईयर कंप्लीट होती है, यानी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है। तो यहाँ पे मैं आपको सब्जेक्ट आर्ट्स के बारे में बता दूँ गाइस कि कौन कौन से सब्जेक्ट होती है। तो गाइस देखो, ईवीएस होती है सबके लिए, ठीक है, कॉलेजेस में जो ईवीएस होती है वो सबके लिए होती है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बात करूँ गाइस, तो ये लैंग्वेजेस सब्जेक्ट होती है जो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी चॉइस करना चाहते हैं। लैंग्वेजेस सब्जेक्ट यानी आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, सॉरी, यहाँ पे आपकी हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, उर्दू, ये रहती है लैंग्वेजेस सब्जेक्ट। अब गाइस यहाँ पे आर्ट्स सब्जेक्ट की बात करें तो देखो, पॉलिटिकल रहती है, हिस्ट्री रहती है, इकोनॉमिक रहती है, मास कम्युनिज्म रहती है, सोशोलॉजी रहती है, फिलॉसफी रहती है, इसके अलावा म्यूजिक रहती है ना, इसके अलावा आपका सोशल वर्किंग रहती है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे सब्जेक्टेड होते हैं गाइस आर्ट्स में, ठीक है, यानी बीए में जो आपके पढ़ने होते हैं। तो यहाँ पे आपके चॉइस के ऊपर निर्भर करता है और इंटरेस्ट के ऊपर निर्भर करता है, आपको जो भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है आप उसके अनुसार चॉइस कर सकते हैं। तो गाइस ये थी बीए आर्ट्स में सब्जेक्ट कितने होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको लिस्ट इन हिंदी में बता दिया। सो गाइस, उम्मीद करते वीडियो बहुत ही अच्छी लगी हो, बहुत बेनिफिट आया हो, तो ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।